होला अमिगोज, कैसे हो आप सब लोग। तो एनिमे क्या है? सबसे पहले कार्टून नहीं है ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए है। कार्टून्स अपने लेवल पर होते हैं, एनिमे अपने अलग ही लेवल पर होते हैं। कार्टून बचपन में देखे होंगे आपने, जैसे कि टॉम एंड जेरी हो गया, डोरेमोन हो गया, ओगी एंड द कॉकरोचेस हो गया, और मेरा सबसे नापसंद शिनचैन। एक बात बताऊँ दोस्तों, मेरे बचपन से शिनचैन के साथ 36 का आंकड़ा है। क्यों मुझे भी नहीं पता, आज भी मुझे किसी ने ज़बरदस्ती बिठा कर डोरेमोन के पुराने से पुराने एपिसोड दिखा दिए ना, मैं खुशी खुशी देख लूँगा। पर वही शिनचैन की केस में मेरा आज भी खून खोल उठता है। जब मेरे कजिन्स मेरे सामने ये शो देखते थे ना, मुझे लगता था टीवी पे जाके सिर मार के टीवी और सिर दोनों फोड़ दूँ। पर छोड़िए, वो हो गई पुरानी बात, सबकी अप अपनी टेस्ट होती है ना। टॉपिक पे आते हैं, तो एनीमे देखना है, कौन सा देखना है, कैसे देखना है, क्यों देखना है, अरे कन्फ्यूज हो ना, अभी सॉल्व कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एनिमे की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे पास है आपका इंटरेस्ट जगाने वाली, आपको हिला कर रख देने वाली एक बहुत ही बढ़िया एनिमे सीरीज, ना कि बल्कि एक मूवी, जुजुत्सु काइसन जीरो, स्टार्टर्स के लिए स्पेशली रिकमेंडेड। अगर आप एनिमे ट्राई करना चाहते हो, एनिमे में अपना इंटरेस्ट जगाना चाहते हो, तो ये मूवी आपकी नंबर वन चॉइस रहेगी। जुजुत्सु काइसन जीरो, डायरेक्टेड बाय सुंगो पार्क, रिलीज डेट 24 दिसंबर 2021 जापान। ये मूवी आपको जैपनीज एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ मिल जाएगी। तो कुछ भी मत सोचो, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बस स्टार्ट करो। तुम शुरू तो करो यार, देखना इंटरेस्ट अपने आप जगेगा। स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, आप जाके देखो, अगर पसंद आया तो वापस आके कमेंट मारो। स्टोरी का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए। पर फिर भी एक चिंगारी जो होती है ना, वो जगाना ज़रूरी है, उसके लिए ये देख लो। मजा आया क्या? और चाहिए, तो इंतजार किसका, जाके देख लो जुजुत्सु काइसन जीरो। ये मूवी आपको ऑनलाइन वेबसाइट या फिर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सिंपली टेलीग्राम पर जाकर जुजुत्सु काइसन जीरो इंग्लिश डब सर्च करो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आपके एनिमे के सफर के सेकंड एनिमे की तरफ, जो कि है इसी मूवी से इंस्पायर्ड एनिमे सीरीज और इसी मूवी के आगे की स्टोरी, जुजुत्सु काइसन एनिमे सीरीज। सो जुजुत्सु काइसन की मूवी देखने के बाद आप पागल हो जाने वाले हो, सोचने वाले हो ये क्या था, और उसी पागलपन की चिंगारी को भड़काने का काम करने वाले हैं ये भाई साहब। जुजुत्सु काइसन एनिमे मूवी के आगे की स्टोरी है, पर इतनी भी रिलेटेड नहीं है मूवी से। कैरेक्टर सेम है बट नई कहानी है। वो कहते हैं ना, नया दिन नई सुबह, नया सफ़र नई कहानी। छोड़िए सब। सो जुजुत्सु काइसन एनिमे डायरेक्टेड बाय सुंगो पार्क, रिलीज डेट 3 अक्टूबर 2020। ये शो मूवी से पहले आया हुआ है, पर स्टोरी मूवी के बाद की है। ये शो आपको इंग्लिश एंड जैपनीज लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ मिल जाएगा। शो में 24 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड का रन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स होता है। इस शो में आपको हर एक चीज़ मिलेगी फॉर बिगिनर्स। इस शो में बेस्ट फाइटिंग सीन से लेके उंगली खाने वाले बच्चे तक देखेंगे आपको। शो में एक्शन और कॉमेडी दोनों भर भर के है। तो अमिगोज, पिछले मूवी के बाद अगर आपने ये सीरीज देख ली ना, तो गारंटी के साथ बोलता हूँ आप एनिमेज के फैन हो जाओगे। और आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा होगा ना, तो ये देख लो। Dead.
ready, my voice up in your head. Watch it fill you full of dread till you go. ये एनिमे आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पर या फिर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एनिमे अच्छा है, एक्शन सीन्स कमाल के हैं और मेरा पर्सनल फेवरेट सीन भाई कोजो की और जोगो की जो फाइट है ना, लिटरली गूज़बम्स आ जाएंगे आप सबको। सच बता रहा हूँ, गूज़बम्स आ जाएंगे। गूज़बम्स जाने के बाद आपको मैजिकल जर्नी पर ले जाऊँगा मैं, मैजिक और एंटी मैजिक की दुनिया, एक नॉन मैजिकल बच्चे की विजर्ड किंग बनने की कहानी, आस्था और यूनो की कहानी। अगर आप एक एनिमे फैन हो जो ये देख रहे हो तो 100% आपने गेस कर लिया होगा हमारे लिस्ट के थर्ड एनिमे का नाम। यस राइट, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक क्लोवर की विथ 4 seasons। ब्लैक क्लोवर एनिमे इज डायरेक्टेड बाय सुकाशा निशियामा। रिलीज डेट 3 अक्टूबर 2017। ये एनिमे सीरीज आपको इंग्लिश एंड जैपनीज लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ मिल जाएगी। ब्लैक क्लोवर एक सीरीज है जिसमें 4 seasons है। हर एक सीजन में 50 episodes है। हर एक एपिसोड का रन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 30 minutes होता है। इस शो में आपको मैजिक भर भर के मिलेगा, स्वॉर्ड्स फाइटिंग मिलेगी, ऑसम एक्शन सीन्स मिलेंगे, डीमंस मिलेंगे और क्या क्या बताऊँ, आप खुद देख लो। ब्लैक क्लोवर देखने के बाद आप एनिमे के समंदर में डूब जाओगे, आपको एनिमे से प्यार हो जाएगा और उसी प्यार को बरकरार रखने के लिए हम हमारी 4 series लाए हैं। Sword Art Online, ब्लैक क्लोवर जैसे लंबे एनिमे देखने के बाद आप में एनिमे के लिए पेशेंस और पैशंस दोनों आ जाएंगे। Sword Art Online बेस्ट सूट करेगी आपको। Sword Art Online इज डायरेक्टेड बाय तोमोहिनो कोतो। रिलीज डेट 7 जुलाई 2012। ये एनिमे आपको जैपनीज, इंग्लिश और थोड़ा ढूंढने पर हिंदी में भी मिल जाएगी। वर्चुअल दुनिया में कैद 100 gamers जिन्हें ढूंढना है बाहर निकलने का रास्ता। गेमर्स हारे तो मरे। इस सीरीज में एक्शन, इमोशन, ड्रामा, स्वॉर्ड फाइटिंग, थ्रिल, सस्पेंस सब कुछ मिलेगा। मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। इस सीरीज के 4 सीजन अपनी अलग अलग दुनिया में है। हर एक सीजन बेस्ट है यार, वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर पाऊंगा, आप खुद देख लो। आसना, शिनो, रीवा, मीना, कुमे, Sword Art Online एक ऐसी सीरीज है जो मुझे लगता है कभी ख़त्म ना हो। सब कुछ है यार इसमें जो एक एनिमे फैन को चाहिए, जिसे समझ आई उसकी लाइफ बदल सकती है ये सीरीज। आई हाईली रिकमेंडेड दिस वन। इस लिस्ट की लास्ट एनिमे सीरीज बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। अगर आप सबको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मुझे भी अच्छा लगेगा आप सबके रिस्पॉन्स देख कर कमेंट्स में। तो इसी के साथ लिस्ट के लास्ट सीरीज, 2 भाई बहन, भाई ह्यूमन और बहन डीमन, निकल पड़े हैं अतरंगी सफ़र पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर एनिमे विथ 3 seasons। डीमन स्लेयर इज डायरेक्टेड बाय हाराउ सोटोजाकी। रिलीज डेट 6 अप्रैल 2019। यह एनिमे आपको जैपनीज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ मिल जाएगा। इस एनिमे में 3 seasons है। हर एक सीजन में अप्रॉक्सीमेटली 25 episodes से। हर एक एपिसोड का रन टाइम इज 30 minutes। इस सीरीज में डीमंस है, स्वॉर्ड्स है, फाइट है, लव है, इमोशन है, थ्रिल है, एक्शन है, सब कुछ है।
तो अब तक आप एक एनिमे फैन बन चुके हो, ये एनिमे आपके लिए ही है, एंजॉय करो। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ ही सभी फैंस को हास्ता ला विस्ता अमिगोस, जल्द मिलेंगे।